चरक संहिता सूत्र स्थान का तीसरा चैप्टर है आरगवती। मैंने आपको बोला था कि प्रथम चतुष्क बीज जो है वो बेसिक चतुष्क है, तो पहले चैप्टर में आपने सब बेसिक ही पढ़ी, नमक मूत्र शीर ये सब आयुर्वेद में औषधियां हैं, षोधन वृक्ष तीन शीरी तीन तो मूलिनी फलिनी। दूसरे चैप्टर में आपने अंतः परिमार्जन की बेसिक पढ़ी, शोधन से संबंधित वमन की बस्ती की विरेचन की शिरोविरेचन की इन सब, फिर संसर्जन की यवागुपत। तृतीय चैप्टर है आर्गवदी अध्याय। आर्गवदी अध्याय का संबंध किससे है? वही परिमार्जन मतलब बाहरी शुद्धि से। वही परिमार्जन की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पर भी वुंड है, इचिंग है, कुष्ठ है, चकते हैं, मंडल है, जहां चमड़ी खराब हो रही है, तो वहां लोकल यूज में जो लेप काम आते हैं वो वही परिमार्जन से संबंधित। पहला प्रश्न यही है कि इस अध्याय में कुल कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए गए हैं? 32। आरगवदी अध्याय में 32 सिद्धतम चूर्ण लेप बताए। कई बार जैसे भी आप पढ़ लेंगे आगे जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि अपमार्ग तंडुली पहले आता था कब, ये पहले आता था। और पढ़ा होगा ऐस अनार आसे आम, ऐसे पढ़ा, ऐसे क्या अपमार्ग तंडुली, आ से क्या आरक, ऐसे याद रखें कि दूसरा अपामाग तंडुल्य है, तीसरा आरक। इस अध्याय में जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? 32 सिद्धतम चूर्ण और प्रदेय है, अपन चलते हैं इसके लास्ट में। यहां कुछ कुछ योग है जिनके बारे में मैं मार्क करवाता हूं, वो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा ठीक रहेगा। जैसे एक लिखा है रसांजन आदि और करंज आदि लेप, तो इसमें पूछ सकता है कि इसमें भावना द्रव्य क्या है, तो गोमूत्र मिला, गोमूत्र जो है उसकी भाव। नेक्स्ट आगे कहीं चलेंगे मिला, एक लेप दिया हुआ है पाक युक्त मने शिलादि लेप मिला। आपसे पूछ सकता है किस काम आता है, लिखा है कुष्ठ नी सुधना है, कुष्ठ का शत्रु है, मतलब इससे कुष्ठ ठीक हो जाता है। और इसके अंदर एक लिखा है पलाश निर्दाह रसे, किसके साथ पकाना है, पलाश स्वरस के साथ। नेक्स्ट आरगवद आदि लेप मिला, इसमें से प्रश्न आया हुआ है कि आरगवद आदि लेप में काकमाची का प्रयोज्यांग क्या बताया चरक ने, तो काकमाची के पत्ते पर्णानी अथे काकमाच्य मिला। नेक्स्ट बस इसी इतना से घूस ना सके ठीक है। अब यहां वापस लास्ट में उसने वही लिखा कि इस तरह से मैंने 32 सिद्धतम चूर्ण और प्रदेय बता दिए। इसकी एक टेबल है वो मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दूंगा गिनती की, इसमें कुष्ठ लेप 15 है 32 में से, वातनाशक इतने, पित्तनाशक इतने, कफनाशक इतने, तो उसकी काउंटिंग है, तो टोटल करते हैं तो 32 होती है, तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डालूंगा आप लोग वहां से उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है चौथा चैप्टर षड विरेचन समाशय।